ये सर्विसेज अस्पताल का आईसीयू वार्ड है, जहां मरीजों को सूरह रहमान की तिलावत सुनाने के लिए ऑडियो सिस्टम की मदद ली जा रही है। दो हफ्ते कबल कोमे की हालत में अस्पताल लाए जाने वाले फैसल को तिबी इलाज के साथ साथ दिन में तीन बार सूरह रहमान की तिलावत भी सुनाई जाती है। रूह को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि जैसे जैसे बीमारी का एक इलाज है, दवाई है, वैसे ये भी है। हम कारी वसित की आवाज़ में लगाते हैं, कारी विदाउट ट्रांसलेशन, सुबह दोपहर शाम थ्री टाइम्स इस आईसीयू में रखती है रेगुलरली। मतलब वैसे तो यही रिकमेंडेड करते हैं हम कि आप 7 डेज के लिए सुने। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रूहानी इलाज एक हकीकत है और कलामे पाक से ज्यादा पुर असर कायनात में कोई चीज नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जहर खाकर मौत के मुंह में जाने वाले कई अफराद सूरह रहमान की बदौलत नई जिंदगी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस, कैंसर और फॉली जैसी बीमारियों से भी लोगों को शिफा मिल रही है। दिन में तीन बार सूरह रहमान सात दिन साथ लगती है, ये जो वाइब्रेशन है ये उसकी बॉडी में कोई एनर्जी कोई लेवल इंक्रीज करती है। ये उसके सेल लेवल पे जहाँ ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो रहे हैं, वहाँ पर रिपेयर का काम करती है। अस्पताल में कई मरीजों के अजीज़ो क़ारिब भी तलावत कलामे पाक करते दिखाई देते हैं और सूरह रहमान की तलावत खास तौर पर बीमारियों से शिफा का जरिया है। तलावत कलामे पाक मुझे अमराज से लड़ते इन मरीजों को जिंदगी के करीब लाकर ये साबित करती है कि बेशक शिफा मन जानिबे अल्लाह है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ समरा अफजल, समा, लाहौर।